उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक सौतेली मां ने अपनी बेटी पर इस कदर कहर बरपाया कि उसको पीटते पीटते बुरी तरह से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से घायल बच्ची को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गांव वालों ने सौतेली मां पर और लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला डिडोली कोतवाली इलाके के गांव नारंगपुर का है, जहां पर शबाबुल ने अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी की थी। ग्रामीणों के मुताबिक शादी के बाद से ही सौतेली मां ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बच्ची पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। शादी के बाद से ही अपनी सौतेली बेटी को रोजाना प्रताड़ित करती है और बेरहमी से पीटती है। दरअसल शबाबुल की पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं और सभी की उम्र 8 से 15 वर्ष तक है। चारों बच्चों में 2 बच्चे सानिया और शोएब अपनी सौतेली मां के साथ रहते हैं, जबकि बाकी दोनों बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों अपने सौतेली मां के कहर का शिकार होते हैं। शादी के बाद से लगातार बच्चों पर इस कदर कहर बरपाया जाता है कि आस पड़ोस के लोग भी कांप उठते हैं, लेकिन सौतेली मां का दिल नहीं पसीजता। आज भी कुछ यही हुआ कि मासूम को उसकी सौतेली मां ने जमकर मारपीट की और जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गई और बेहोश हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस के साथ जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, जहां पर मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने घायल बच्चे के पिता और सौतेली मां के खिलाफ NCR दर्ज की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे की क्या कार्यवाही करती है। ऐसे में मासूमों को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण भी कोशिश में लगे हुए हैं। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सानिया कैसे मारा तुम्हें? अम्मी ने मारा। अम्मी के अम्मी क्या नाम है? साना। मर गई होता ताकि माँ तो मर गई इसकी। नहीं, जो जिसने मारा उसे क्या नाम है? साना ही तो। तेरे बल्दे तेरे उन्होंने फादर ने मारा क्या? पापा ने ना मारा। उन्होंने मारा, खाली मम्मी ने मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है, बबलू खान। मैं ग्राम नारंगपुर का हूँ और ये जो बच्ची है ये हमारे मोहल्ले की है और इसको बहुत पीड़ित किया जाता है हर एक मामले के अंदर। इनकी जो मदर है, मतलब इनकी मम्मी है, वो दूसरी मतलब सौतेली माँ है। वो सौतेली माँ भी इतनी बेरहमी से नहीं मार पाएंगी अपना बच्चे को या दूसरे के बच्चों को भी, जैसे इन्होंने उसे पीड़ित किया है। किस किस तरीके से मारते हैं इसको? हर एक तरह से पीड़ित करते हैं, डंडों से, लाठियों से। इस तरह से इसकी चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे किसी को, कैदी को, या किसी तरह से डंडे या और मतलब राडों से बरसा उसके अंदर मारा जा रहा हो उसको। बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम सानिया है। और इसकी माँ और बाप का नाम क्या है? इसके पिताजी का नाम शबाबुल है और इसकी माता का नाम शबाना है। सहाना। तो सौतेली माँ होने के कारण इसे मारती? हाँ, सौतेली माँ के होने के कारण ज़्यादा मारती है। आज भी जो हमारे साथ दरोगा जी थे दीवान जी, वो हमने 100 नंबर पर कॉल करी थी, दीवान जी आए और इसने बड़ी मुश्किल से गेट खोला और हम अंदर गए। दीवान जी ने वीडियो भी बना रहे थे, दीवान जी ने के ही सामने हम भी वहाँ पर थे, काफ़ी लोग गाँव के मौजूद थे और इन्होंने क्या करा, अपने एक चाकू उठाया और दीवान जी को डराने लगी, कह जी मैं अपनी नस काट लूँगी और आप यहाँ से जा रहे हो या मैं अपनी नस काट लूँ। तो इसको हमने बड़ी उससे समझा के चाकू इससे छीना और वरना तो ये अपने हमला कर रही थी हमारे पे, सब पे ये केस लगवाती है। इस पे इनने गांव में कम से कम 20 लोगों पे इनने 76 लगवा चुकी है। इस कारण इसी कारण लोग बाग इसके खिलाफ थोड़ा सा समझाते हैं या कुछ करते हैं, इसीलिए 76 लगवा देती है। बच्चों को जो, हाँ, बच्चों को ना पीटें। बच्चों जब इतनी बेरहमी से पीटती है तो बिल्कुल बिल्कुल फर्जी मुकदमे अभी चल रहे हैं लोगों पे। अब ऐसे हालात में तो आज ये हुआ है, तो आज सब लोग इकट्ठे होके आए? बिल्कुल, ये गांव वाले सब और मोहल्ले वाले हैं और क्या नाम है, सभी एक साथ हैं। अब आप लोग अगर बात करें तो आप लोग इसके रिश्तेदार नहीं है, गांव वाले? बिल्कुल। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसके लिए प्रशासन से न्याय चाहते हैं और इसको जो पीड़ित किया गया उनको, जो पीड़ित करते हैं उनसे सख्त सख्त कार्रवाई चाहते हैं और आगे से ऐसा ना हो, उसके इसकी मांग भी करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा। ये बच्ची का शानिया नाम है और ये हमारे पास आई है अभी। इसकी हालत जो है ज़्यादा गंभीर है, बहुत चोटें लगी हुई हैं, पूरे जिस्म पे चोटें हैं और अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने जो है फर्स्ट एड दी है, अब काफ़ी सुधार है, पहले से सांस ले रही है और लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से पिटाई हुई होगी इसकी? क्या लात घूसों से, डंडों से मुझे लगता है उनकी चोटें हैं।
कहाँ पर इसको मतलब चोट? पूरी कमर में, छाती पे, सर पर, टांगों पे, कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है जो बचा है। क्या रेफर केस है? ये हमारे पास रेफर आया जो ऐसे। इसको यहाँ से रेफर किया जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं, अभी हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अगर हमें लगेगा तो उसको आगे रेफर करेंगे। फिलहाल कंडीशन कैसी है? फिलहाल कंडीशन अभी सुधरी हुई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।